नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दूसरी कंट्री में। जी हाँ, हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं और यहाँ से साधारण स्कॉटलैंड जाने के लिए 5 से 5.5 घंटे लगते हैं और यदि बीच में रुकते हुए हम जाएंगे तो हमें 6.5 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए, हम निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर वातावरण है। स्कॉटलैंड में एडिनबरा करके यहाँ का कैपिटल है, हम वहीं जाने वाले हैं और वहाँ हमने एक घर रेंट पे 3 दिन के लिए बुक करके रखा है, वहीं हम निकलेंगे। ये देखिए जर्सी गाय है, बहुत ही खूबसूरत सीन दिख रहा है। सामने शिप्स नजर आ रही हैं, बहुत सी शिप हैं। यहाँ का वूल बहुत ही फेमस है और आप सामने देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रास्ता, एकदम क्लियर दिख रहा है, बहुत सुंदर सीन दिख रहा है ये। और अब हम सिटी की तरफ पहुँच रहे हैं। ये देखिए, शायद यहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो चुकी है एक बार और अब धूप है और अब हम सिटी में पहुँच चुके हैं। देखिए सिटी शुरू हो चुकी है, बहुत ही सुंदर घर है, फ्लैट्स, होटल्स। शाम को अब हम यहीं आने वाले हैं, खाना वगैरह खा के फिर हम यहाँ वॉकिंग करते हुए निकलेंगे और फिर उस समय मैं आपको पूरी सिटी बताऊंगी। अभी शाम का समय है, साधारण 5:30 बज चुके हैं। बस इसी एरिया में हम घूमने वाले हैं। अभी दुकानें वगैरह सब बंद हो चुकी हैं, 5:30 पर यहाँ दुकानें सारी बंद हो जाती हैं, सिर्फ हमारे जैसे विजिटर ही यहाँ पे घूमने आएंगे। देख सकते हैं यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। अब हम हमारे घर की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। चलिए तब घर देखेंगे हम, हमारा गार्डन नीचे, और ये हमारा हॉल है, छोटा सा है पर बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है एकदम। ये फायरप्लेस है, सोफा भी है, यहाँ है बेडरूम, नीचे 2 3 सो सकते हैं और ऊपर एक छोटा सा बेडरूम है और किचन भी दिया हुआ है साइड में। और अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर भी हमें एक बेडरूम दिया गया है। गार्डन भी देख सकेंगे यहाँ से, दरवाज़ा है यहाँ से गैलरी, और ये मिरर, इस दरवाजे से आप 2 गैलरी में 2 जन आराम से बैठ सकते हैं। देखिए गार्डन यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे है टॉयलेट बाथरूम जो कि बहुत ही साफ सुथरा है और विंडो ऊपर दी गई है। और यहाँ पे इन्होंने ड्रेसिंग रूम दिया हुआ है, इस ड्रेसिंग रूम में आप कपड़े वगैरह लटका के रख सकते हैं, आयन वगैरह सभी दिया हुआ है। और किचन भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया दिया है, साफ सुथरा एकदम। ये है फायरप्लेस, यहाँ पे ब्रश वगैरह सभी कुछ रखा हुआ है, यूज कर सकते हैं, पर ये ठंडी के दिनों में ज़्यादा यूज करते हैं लोग। बाकी तो यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर ऑलरेडी घर में सभी जगह है। ये देखिए यहाँ लकड़ियाँ रख सकते हैं और फायर तैयार कर सकते हैं। और सामने
सारे इसके साधन भी दिए हुए हैं, जैसे ये ब्रश है, फिर इसे लकड़ी को हिलाने के लिए चिमटा टाइप है कुछ, ये एक है हिलाने के लिए लकड़ियों को। और साथ में सुपड़ा भी दिया हुआ है राख वगैरह निकालने के लिए, बहुत ही सुंदर है। अब हम खाना खा के निकलेंगे हमने शाम को घूमने के लिए। चलिए अब हम तैयार हो चुके हैं और अब हम कार से निकलेंगे घूमने के लिए, और एक तरफ हमारी कार पार्क करके फिर सिटी में हम पैदल ही घूमेंगे। हमने कार पार्क कर ली है और हम निकलेंगे। ये है कैथेड्रल करके चर्च टाइप है, और ये देखिए आप सभी दुकानें बंद हैं और इधर के कांच लगे हुए हैं, इससे मालूम पड़ता है कहाँ क्या मिलता है। ये एक स्ट्रीट है रॉयल माइल करके, वहाँ घूम रहे हैं। ये है घोस्ट बस, मतलब यहाँ पे भूतों में लोगों को ज़्यादा विश्वास है तो ये बसेस इन्होंने चालू की है। ये है फोन बूथ जो कि चालू है यहाँ के, और यहाँ की पहचान है ये टेलीफोन बूथ। आप सामने कॉफ़ी कैफे देख सकते हैं, अभी 9:30 बजे हैं फिर भी उजाला है सब जगह। ये एक सकरी गली है, पर आप देख सकते हैं एकदम सामने ब्रिज बना हुआ है, वो दोनों बिल्डिंग के बीच में ब्रिज है। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी गलियाँ बहुत देखने मिलेंगी। और ये देखिए ऊंचाई से सिटी कितनी सुंदर दिख रही है, रात के 10 बज रहे हैं पर उजाला बहुत है। ये है वर्ल्ड इल्यूजन, यहाँ हम कल आने वाले हैं। और ये देख सकते हैं आप विस्की की शॉप, स्कॉटिश विस्की मिलती है यहाँ। और यहाँ हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं हमारे। बहुत सुंदर घर है यहाँ पे। फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब